श्रीगोद्रुम चंद्राय नमः। जय धर्म। नित्य और नैमित्तिक धर्म मूलक प्रथम खंड, पहला अध्याय, जीव का नित्य और नैमित्तिक धर्म। इस पृथ्वी में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष प्रधान है। भारत में गौड़ भूमि सर्वोत्तम है। गौड़ भूमि में श्री नवद्वीप मंडल परम उत्कृष्ट है। इसी श्री नवद्वीप मंडल के एक स्थान में भागीरथी के किनारे श्री गौद्रुम नाम का रमणीय जनपद नित्य विराजमान है। प्राचीन काल में श्री गौद्रुम के उपवन में अनेक भजनानंदी पुरुष जगह जगह में निवास करते थे। किसी समय वहीं श्री सुरभि ने अपने लता मंडप में भगवान श्री गौरचंद्र की आराधना की थी। उससे थोड़ी ही दूर पर प्रद्युम्न कुंज नाम की एक भजन कुटी थी। वहां सघन लताओं से ढकी हुई एक कुटी के भीतर श्री प्रेमदास परमहंस नामक बाबा जी रहते थे। वे श्री भगवत पार्षद प्रवर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शिक्षा शिष्य थे। बाबा जी निरंतर भजन आनंद में मस्त होकर अपना समय बिताया करते थे। श्री प्रेमदास बाबा जी सभी शास्त्रों में पंडित होते हुए भी नंदग्राम से अभिन्न तत्व जानकर श्री गोद्रुम वन का एकांत मन से आश्रय किए हुए थे। नित्य 200,000 हरिनाम जपना सब वैष्णवों के उद्देश्य से शत शत दंडवत तथा गोप ग्रहों में मधुकरी अर्थात भिक्षा द्वारा जीवन का निर्वाह करना, यही उनके जीवन का नियम हो चुका था। जब भी वे इन कार्यों से अवसर पाते, किसी प्रकार की ग्राम्य कथा अर्थात गंदा वार्तालाप न करके भगवत पार्षद प्रधान श्री जगदानंद के प्रेम विवर्त का पाठ करते थे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। इस समय निकटस्थ कुंजवासीगण भक्ति के साथ उनका पाठ सुनते। क्यों ना सुनते, प्रेम विवर्त ग्रंथ समस्त रस तत्वों से भरपूर है। उस पर भी बाबा जी की अमृत बरसाने वाली मधुर स्वर लहरी से वे आप्लावित हो जाते और उनकी विषय विष ज्वाला शांत हो जाती। एक दिन तृतीय पहर का समय था। बाबा जी महाशय नाम जप की संख्या पूर्ण कर चुके थे और श्री माधवी मालती लता मंडप में बैठकर प्रेम विवर्त का पाठ करते करते भाव समुद्र में मग्न हो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी ने आकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे देर तक उसी तरह पड़े रहे। बाबा जी महाशय पहले भावानंद में मस्त थे, किंतु थोड़ी देर में ही जब उनकी बाह्य स्फूर्ति हुई तब उन्होंने साष्टांग पड़े हुए सन्यासी महात्मा को देखा। अपने को तृण से भी अधिक दीनहीन जानकर उन्होंने सन्यासी के सामने पढ़कर, हा चैतन्य, हा नित्यानंद, इस अधम के ऊपर कृपा करो, कहकर रोना आरंभ किया। क्रमशः सन्यासी ने उनसे कहा, प्रभो मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, आप मेरी विडंबना क्यों करते हैं। इसके बाद सन्यासी बाबा जी के चरणों की रज मस्तक पर धारण कर उनके सामने बैठे। बाबा जी महाशय ने भी उन्हें बैठने के लिए केले का वल्कलासन दिया और एक तरफ बैठकर प्रेम से गदगद स्वर से कहा, प्रभो ये दीन व्यक्ति आपकी क्या सेवा करने के योग्य है। अपना कमंडलू रखते हुए हाथ जोड़कर सन्यासी ने कहा, प्रभो मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। सांख्य, पतंजल, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उपनिषद आदि वेदांत शास्त्रों का काशी आदि नाना पुण्य तीर्थों में मैंने अच्छी तरह अध्ययन किया तथा शास्त्र तात्पर्य वितर्क में अपना बहुत सा समय बिताया है। लगभग 12 वर्ष पूर्व मैंने श्री सच्चिदानंद सरस्वती पाद के निकट दंड अर्थात संन्यास भी ग्रहण किया। दंड ग्रहण कर सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैंने भारत में सर्वत्र शंकर मतोनयायी संन्यासियों का संग भी किया। कुटीचक, बहुदक, हंस, इन तीन अवस्थाओं का अतिक्रमण कर कुछ दिन परमहंस पद भी मैंने प्राप्त किया।
मौन अवलंबन पूर्वक वाराणसी क्षेत्र में अहम ब्रह्म अस्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि आदि श्री शंकराचार्य कथित महावाक्यों का आश्रय भी मैंने किया। परंतु जिस प्रकार का सुख और आत्मिक संतोष मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका। एक दिन कोई वैष्णव साधु ऊंचे स्वर से हरिलीला गान करते करते मेरे सामने से निकले। मैंने आंखें खोलकर देखा कि वे आंसुओं से तर बितर हो रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। गदगद स्वर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नाम का कीर्तन कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके चरण स्खलित हो पड़ते थे और वे पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन्हें देखकर तथा गान सुनकर मेरे हृदय में एक अनिर्वचनीय भाव उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके निकट वर्णन करने में असमर्थ हूँ। भाव उदय तो अवश्य हुआ, तथापि अपने परम हंस पद की मर्यादा रक्षा करने के लिए उनसे कुछ भी वार्तालाप न कर सका। हा, धिक्कार है, धिक्कार है मेरे पद मर्यादा को, धिक्कार है मेरे भाग्य को। कह नहीं सकता, न जाने क्यों उसी दिन से मेरा चित्त श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में आकृष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात मैंने व्याकुल होकर उन वैष्णव साधु को बहुत ढूंढा, पर फिर वे दिखाई नहीं पड़े। मैंने देखा उनके दर्शन और मुख से निसृत नाम श्रवण कर जो विमल आनंद प्राप्त हुआ, उसका अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने बहुत दिन विचार कर निश्चय किया कि वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। मैं काशी को छोड़कर श्रीधाम वृंदावन गया। वहां मैंने अनेक वैष्णवों को देखा जो श्री रूप सनातन तथा जीव गोस्वामी का नाम ले लेकर विलाप करते हैं। वे श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं और नवद्वीप का नाम लेकर प्रेम से पृथ्वी पर लौटते हैं। यह देख सुनकर मेरी भी लालसा नवद्वीप धाम के दर्शन की हुई। तब श्री व्रजधाम की 84 कोस की परिक्रमा करता हुआ मैं कई दिन हुए श्री मायापुर में आया हूँ। मायापुर नगरी में आपकी महिमा सुनकर आज मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है। आप इस दास को अपना कृपा पात्र समझकर कृतार्थ करें। परमहंस बाबा जी महाशय ने दांतों से तिनके दबाकर रोते रोते कहा, सन्यासी ठाकुर, मैं एक नितांत अपदार्थ हूँ। उदर पूर्ति, निद्रा और व्यर्थ की बातों में मेरा जीवन व्यर्थ गया। यह अवश्य है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य की लीला स्थली में रहकर दिन अतिवाहित करता हूँ, किंतु कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है इसे आस्वादन के द्वारा अब तक नहीं समझ पाया। आप धन्य हैं क्योंकि क्षण भर के लिए भी वैष्णव का दर्शन कर आपने प्रेम का आस्वादन तो कर लिया है। आप कृष्ण चैतन्य देव के कृपा पात्र हैं। इस अधम को प्रेम आस्वादन के समय कभी कभी अवश्य स्मरण कर लिया करें, तो भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यह कहते कहते बाबा जी ने सन्यासी को गले लगा लिया और आंसुओं से तर बतर कर दिया। सन्यासी महाराज ने वैष्णव के अंग का स्पर्श कर हृदय में एक अभूतपूर्व भावोदय का अनुभव किया। वे भी रोते रोते नृत्य करने लगे। नृत्य के समय वे गाने लगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंद, जय प्रेमदास गुरु जय भजन आनंद। बहुत देर तक नृत्य कीर्तन के उपरांत स्थिर होकर दोनों ने परस्पर बहुत सी बातें की। प्रेमदास बाबा जी ने विनीत भाव से कहा, महात्मन, आप इस प्रद्युम्न कुंज में कुछ दिन रहकर मुझे पवित्र करें। सन्यासी ने कहा, मैंने आपके चरणों में अपना यह शरीर समर्पण कर दिया है। कुछ दिनों की बात क्या कह रहे हैं, अपने देह त्याग तक आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरी आकांक्षा है। सन्यासी ठाकुर सब शास्त्रों के पंडित थे। गुरुकुल में रहकर ही गुरु का उपदेश ग्रहण करना होता है, वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे। अतएव वे आनंद से उसी कुंज में रहने लगे। कुछ दिनों पश्चात परमहंस बाबा जी ने सन्यासी महोदय से कहा, महात्मन, श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने कृपा कर मुझे श्री चरणों में स्थान दिया है।
वे आजकल श्री नवद्वीप मंडल के एक प्रांत में श्री देवपल्ली ग्राम में श्री श्री नरसिंह देव की उपासना में मग्न हैं। चलिए आज ही मधुकरी समाप्त कर उनके चरणों का दर्शन करावे। सन्यासी ठाकुर ने कहा, जो आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा। 2 बजे के बाद वे दोनों श्री अलकनंदा पार कर श्री देवपल्ली में उपस्थित हुए। सूर्यटीला पार कर श्री नरसिंह देव के मंदिर में उन्होंने भगवत पार्षद श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के चरणों का दर्शन किया। दूर से परमहंस बाबा जी ने पृथ्वी पर गिरकर श्री गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने भक्त वत्सलता से आद्र होकर श्री मंदिर के बाहर आकर परमहंस बाबा जी को दोनों हाथों से उठाकर प्रेम आलिंगन दे कुशल क्षेम पूछी। बहुत देर तक इष्ट गोष्ठी के बाद परमहंस बाबा जी ने उन्हें सन्यासी ठाकुर का परिचय दिया। ब्रह्मचारी जी ने सादर कहा, वत्स, तुमने यथा योग्य गुरु पाया है, प्रेमदास के निकट प्रेम विवर्त की शिक्षा प्राप्त करो। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सय गुरु हॉय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:127। सन्यासी ठाकुर ने भी विनीत भाव से परम गुरु के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर कहा, प्रभो, आप श्री चैतन्य देव के पार्षद हैं, आपकी कृपा कटाक्ष से मेरे जैसे सैकड़ों अभिमानी सन्यासी पवित्र हो सकते हैं, आप कृपा करें। सन्यासी ठाकुर ने भक्त गोष्ठी के परस्पर व्यवहार को इससे पहले सीखा नहीं था। गुरु और परम गुरु में परस्पर जिस प्रकार का व्यवहार देखा, उसी को सदाचार जानकर अपने गुरु के प्रति निष्कपट रूप से उसी दिन से वैसा ही व्यवहार करने लगे। संध्या के समय आरती दर्शन कर दोनों श्री गौद्रुम लौट आए। कुछ दिन इस तरह रहने के बाद सन्यासी ने परमहंस बाबा जी से तत्व जिज्ञासा करने की इच्छा की। इस समय वेश के अतिरिक्त और सब बातें उन्होंने वैष्णव जैसी ग्रहण कर ली थी। क्षम दम आदि गुणों से संपन्न होकर संपूर्ण रूप से ब्रह्म निष्ठा तो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर ली थी। इस समय उस निष्ठा के ऊपर पर ब्रह्म की चित लीला निष्ठा भी उत्पन्न हुई, साथ ही साथ दीन भाव भी प्रबल उठा। एक दिन अरुणोदय के समय परमहंस बाबा जी पवित्र होकर तुलसी माला पर हरि नाम संख्या करते करते माधवी मंडप में बैठे। कुंज भंग लीला की स्फूर्ति हो आने के कारण उनके नेत्रों से निरंतर प्रेम अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही थी। अपने सिद्ध भाव से परिभावित तत्काल उचित सेवा में नियुक्त होकर वे अपनी स्थूल देह की स्मृति को खोने लगे। सन्यासी जी उनके भाव से मुग्ध होकर उनके निकट बैठ गए और उनके सात्विक भावों को देखने लगे। देखते ही देखते परमहंस बाबा जी ने कहा, सखी, इस कखटी जो कि श्रीमती राधिका जी की बंदरी का नाम है को शीघ्र चुप कराओ, नहीं तो मेरे राधा गोविंद की सुख निद्रा उचट जाने से सखी ललिता दुख पाएंगी और मेरी भर्त्सना करेंगी। अरे देखो, अनंग मंजरी इसके लिए इंगित कर रही हैं। तुम रमण मंजरी हो, तुम्हारी ये निर्दिष्ट सेवा है, तुम इसमें यत्नवती हो। यह कहते कहते परमहंस बाबा जी अचेतन हो गए। सन्यासी महाराज अपने सिद्ध देह और सिद्ध परिचय जानकर उसी समय से उस सेवा में नियुक्त हुए। क्रमशः प्रातःकाल हुआ। पूर्व दिशा में उषा अपना सौंदर्य बिखेरने लगी, पक्षी चतुर्दिक कलरव करने लगे, मृदु मंद समीर प्रवाहित होने लगा। बाल सूर्य की रक्तिम आभा से उद्भासित प्रद्युम्न कुंज के माधवी मंडप की उस समय जो अपूर्व शोभा हुई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमहंस बाबा जी कदली के वलकलासन पर बैठे हैं। धीरे धीरे उन्हें अब बाह्य स्फूर्ति हो रही थी, साथ ही नाम माला जप रहे हैं। इसी समय सन्यासी जी ने बाबा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके समीप विनीत भाव से बैठकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यह दीन जन
एक प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदान कर हृदय को संतुष्ट करें। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध हृदय में व्रजरस का संचार कर उसे शीतल करें। बाबा जी ने कहा, आप योग्य पात्र हैं, आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। सन्यासी ने कहा, प्रभो मैं बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा सुनकर धर्म क्या है यह प्रश्न अनेक लोगों से अनेकों बार कर चुका हूँ, परंतु दुख का विषय यही है कि इस प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने जो कुछ बतलाया वह सब परस्पर विरोधी दिखाई दिया। इसलिए आप कृपा करके बतलाइए जीव का धर्म क्या है और भिन्न भिन्न उपदेशक क्यों भिन्न भिन्न उपदेशों को धर्म कहते हैं। धर्म यदि एक है तो सभी पंडित क्यों नहीं उसी एक अद्वितीय धर्म का अनुशीलन करते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के श्री चरण कमलों का ध्यान करके परमहंस बाबा जी कहने लगे, हे सौभाग्यवान, मैं अपने ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूँ। जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। वस्तु के गठन से स्वभाव का उदय होता है। कृष्ण की इच्छा से जब कोई वस्तु गठित होती है तब उस गठन का नित्य सहचर रूप एक स्वभाव भी होता है। वही स्वभाव उस वस्तु का नित्य धर्म है। तत्पश्चात किसी घटनावश अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब उस वस्तु में कोई विकार होता है तब उसका स्वभाव भी विकृत या परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित स्वभाव कुछ दिनों में दृढ़ होने पर नित्य स्वभाव की तरह उस वस्तु का साथी हो पड़ता है। यह परिवर्तित स्वभाव स्वभाव नहीं है, इसका नाम निसर्ग है। निसर्ग स्वभाव के स्थान में बैठे अपने को स्वभाव कहकर अपना परिचय देता है। जैसे जल एक वस्तु है, तरलता उसका स्वभाव है। घटनावशता जल जब जम कर हिम हो जाता है तब काठिन्य उसका निसर्ग होकर स्वभाव की तरह कार्य करता है। वास्तव में निसर्ग अर्थात बदला हुआ स्वभाव नित्य नहीं, नैमित्तिक है। कारण वह किसी निमित्त अर्थात कारण से उदित होता है और निमित्त दूर होने पर वह स्वयं दूर हो जाता है, किंतु स्वभाव नित्य है। विकृत होने पर भी वह वस्तु में अनुस्यूत रहता है। काल और घटनाक्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय दे सकता है। वस्तु का स्वभाव ही वस्तु का नित्य धर्म है। वस्तु का निसर्ग ही वस्तु का नैमित्तिक धर्म है। जिन्हें वस्तु का ज्ञान है वे नित्य और नैमित्तिक धर्म के प्रभेद को जान सकते हैं और जिन्हें वस्तु का ज्ञान नहीं वे निसर्ग को ही स्वभाव समझते हैं तथा नैमित्तिक धर्म को ही नित्य धर्म समझ बैठते हैं। सन्यासी ठाकुर ने पूछा, वस्तु किसे कहते हैं तथा स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? परमहंस जी ने कहा, वस धातु में संज्ञा अर्थ से तु प्रत्यय लगाकर वस्तु शब्द बनता है। अतएव जिसका अस्तित्व या प्रतीति है वही वस्तु है। वस्तुएं दो प्रकार की हैं, वास्तव और अवास्तव। वास्तव वस्तु परमार्थभूत है, अवास्तव वस्तु द्रव्य गुण आदिक रूप है। वास्तव वस्तु का अस्तित्व या सत्ता है, अवास्तव वस्तु का अस्तित्व केवल प्रतीत होता है। प्रतीति किसी जगह सत्य होती है और किसी जगह केवल भान मात्र होती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम की जो अवतारणा है उसमें वास्तव वस्तु एकमात्र परमार्थ है ऐसा निर्णय किया जा चुका है। भगवान एकमात्र वास्तव वस्तु हैं, जीव उस वस्तु का पृथक अंश है तथा माया उस वस्तु की शक्ति है। अतएव वस्तु शब्द से भगवान, जीव और माया, इन तीनों तत्वों को समझना चाहिए। इन तीनों के परस्पर संबंध ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। इन तत्वों की बहुविध
प्रतीतियां हैं, उन सबकी अवास्तव वस्तु में गणना होती है। वैशिषिकों के द्रव्य और गुणों की संख्या केवल अवास्तव वस्तु की आलोचना मात्र है। वास्तव वस्तु का जो विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। जीव एक वास्तव वस्तु है। जीव का जो नित्य विशेष गुण है वही उसका स्वभाव है। सन्यासी महाराज ने कहा, प्रभो, इस विषय को मैं अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुझे एक स्वहस्त लिखित ग्रंथ दिखाया है। उस ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य चरितामृत। उसमें श्री महाप्रभु का इस विषय में एक उपदेश है। जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्ण भूलि सेय जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20-208 और 117। अर्थात जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। वह कृष्ण की तटस्था शक्ति है तथा उसका भेद अभेद प्रकाश है। जब कृष्ण को भूलकर जीव अनादि बहिर्मुख होता है तब माया उसे संसार रूपी दुख देती है। कृष्ण परिपूर्ण चित्त वस्तु हैं। तुलना स्थल में अनेक लोग उन्हें चित्त जगत का एकमात्र सूर्य कहा करते हैं। जीव उनका किरण कण मात्र है। जीव अनेक हैं। जीव कृष्ण का अंश है। यह कहने से पत्थर का एक टुकड़ा जैसे पर्वत का अंश है वैसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनंत अंश रूप जीव श्री कृष्ण से निकला हुआ होने पर भी उससे कृष्ण के किसी अंश का क्षय नहीं होता। इस कारण वेद अग्नि की चिंगारी के एक साथ जीव का एकांश में सादृश्य बतलाते हैं। वस्तुतः इस विषय में तुलना का स्थल ही नहीं है। महाअग्नि की चिंगारी कहिए चाहे सूर्य की किरण परमाणु अथवा मणि प्रसूत स्वर्ण, कोई भी तुलना सर्वांग सुंदर नहीं होती। किंतु इन सब तुलनाओं के जड़ीय भावांश का परित्याग करने पर सहज हृदय में जीव तत्व की स्फूर्ति होती है। कृष्ण बृहत चित वस्तु हैं और जीव उनकी अणुचित वस्तु है। चित धर्म में दोनों का ऐक्य है, किंतु पूर्णत्व और अपूर्णत्व के भेद से दोनों का स्वभाव भेद अवश्य सिद्ध होता है। कृष्ण जीव के नित्य प्रभु हैं, जीव कृष्ण का नित्य दास है, इसी को स्वाभाविक कहना होगा। कृष्ण आकर्षक है, जीव आकृष्ट है। कृष्ण ईश्वर है, जीव ईर्षितव्य है। कृष्ण दृष्टा है, जीव दृष्ट है। कृष्ण पूर्ण है, जीव दीन और क्षुद्र है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और जीव निशक्तिक है। अतएव कृष्ण का नित्य अनुगत्य या दास्य ही जीव का नित्य स्वभाव या धर्म है। कृष्ण अनंत शक्ति संपन्न है, अतएव चित जगत को प्रकाश करने में जैसे उनका पूर्ण शक्ति का परिचय पाया जाता है वैसे ही जीव सृष्टि के विषय में उनकी एक तटस्था शक्ति का परिचय मिलता है। अपूर्ण जगत के संगठन में कोई विशेष शक्ति कार्य करती है, उस शक्ति को तटस्था कहते हैं। तटस्था शक्ति की क्रिया यह है कि वह चित वस्तु और अचित वस्तु इन दोनों के बीच में एक ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जो चित जगत और अचित जगत दोनों के साथ संबंध रखने के योग्य होती है। शुद्ध चित वस्तु अचित वस्तु के विपरीत होती है, अतएव स्वभावतः अचित वस्तु के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता। जीव चित कण तो अवश्य है, किंतु एक ऐसी शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति के द्वारा वह अचित संबंध के उपयोगी हुआ है। उसी ऐसी शक्ति का नाम तटस्था है। नदी के जल और भूमि इन दोनों के बीच में तट होता है जिसे तट कहते हैं। वह भूमि भी है और जल भी अर्थात उभयस्थ है। उक्त ऐसी शक्ति तट पर स्थित होकर
भूधर्म और जलधर्म दोनों को ही एक सत्ता में धारण करती है। जीव का धर्म चित होता है, फिर भी उसका गठन ही ऐसा होता है कि वह जड़ धर्म के वश होने योग्य होता है। अतएव जीव शुद्ध चित जगत की तरह जड़ संबंध से परे नहीं होता है। चित धर्म के कारण यह जड़ वस्तु भी नहीं है। अतः जड़ और चित इन दोनों तत्वों से पृथक होने के कारण जीव को भी एक तत्व माना गया है। इसलिए ईश्वर और जीव में नित्य भेद स्वीकार करना कर्तव्य है। ईश्वर माया का अधीश्वर है, अर्थात माया उसके वशीभूत तत्व है। जीव माया वश्य है, अर्थात किसी विशेष अवस्था में वह माया के अधीन हो सकता है। अतएव भगवान, जीव और माया, ये तीन तत्व पारमार्थिक सत्य और नित्य हैं। इनमें नित्यो नित्यानाम, कठो उपनिषद 2:2-13, इस वेद वचन द्वारा भगवान तीनों तत्वों के मूल नित्य तत्व हैं। जीव स्वभावतः कृष्ण का नित्य दास और उनकी तटस्था शक्ति का परिचय है। ऐसा विचार करने से यह सिद्धांत होता है कि जीव का भगवत तत्व से युगपत भेद और अभेद है, इसलिए वह भेद अभेद प्रकाश है। जीव माया वश्य है, किंतु भगवान माया के नियंता हैं। इस स्थल पर जीव और भगवान में नित्य भेद है। जीव स्वरूपतः चित वस्तु है, भगवान भी स्वरूपतः चित वस्तु हैं, एवं जीव भगवान की शक्ति विशेष है। इसी कारण इस अंश में इन दोनों में नित्य अभेद है। नित्य भेद और नित्य अभेद यदि युगपत हो तो नित्य भेद का परिचय ही प्रबल होता है। कृष्ण की दासता अर्थात सेवा वृत्ति ही जीव का नित्य धर्म है। उसे भूलकर जीव माया के वशभूत होता है, इसलिए तभी से जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है, क्योंकि मायिक जगत में आने के समय ही यह बहिर्मुखता परिलक्षित होती है। अतः मायिक जगत के काल के भीतर जीव के पतन का इतिहास नहीं है, इसलिए अनादि बहिर्मुख शब्द का व्यवहार किया है। बहिर्मुखता और माया में प्रवेश करने के काल से ही जीव का नित्य धर्म विकृत हुआ है। अतएव माया के संग से जीव का निसर्ग उदय होने पर नैमित्तिक धर्म को प्रकाशित होने का अवसर मिला है। नित्य धर्म में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक, अखंड और निर्दोष हैं। नैमित्तिक धर्म भिन्न भिन्न आकारों से भिन्न भिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में प्रचारित होता है। परमहंस बाबा जी यहाँ तक कहकर चुप हो गए और हरि नाम का जप करने लगे। सन्यासी ठाकुर ने इस प्रकार तत्व की बातें सुनकर दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, प्रभो मैं आज इन सब बातों पर विचार करूँगा। जो कुछ भी प्रश्न मन में उदित होंगे उन्हें कल आपके श्री चरणों में निवेदन करूँगा। पहला अध्याय समाप्त।